दिल्ली कांग्रेस में शीला दीक्षित और अजय माकन के बीच फिर तनातनी हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली कांग्रेस का भविष्य चिंताजनक है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। दिल्ली विधानसभा बाई इलेक्शन में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई, जिसके बाद अजय माकन को घेरने के लिए सभी कांग्रेसी तैयार हो गए। सबसे पहला नंबर था शीला दीक्षित का। शीला दीक्षित ने कहा कि अजय माकन कांग्रेस पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से पार्टी लगातार चुनाव हारते आ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में 15 साल राज किया है, ऐसा क्या कारण है कि अजय माकन के नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीत पाए? दरअसल माकन ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 7.87 से कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 25% तक बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी। शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि अक्टूबर तक, जब तक पार्टी में संगठन चुनाव हो रहा है, उसके बाद अजय माकन को हटाया जाएगा और इस मामले को हाई कमांड को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य दिल्ली में चिंताजनक है। इसके ऊपर दरअसल राजनीति शुरू होनी लाजमी है, क्योंकि 2015 के बाद से लेकर अब तक जितने चुनाव अजय माकन के नेतृत्व में लड़े गए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी अभी तक हारती रही है। हाल ही में हुए एसीडी चुनाव और बाई इलेक्शन, रजौरी गार्डन का बाई इलेक्शन और जो कल बवाना का बाई इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आई। दरअसल हिमाचल के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसी झगड़ों में ही उलझी हुई है। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।